हरे कृष्णा। मैं आप सब भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकालकर आज शनिवार के शाम शाम को एकत्रित हो गए हैं आप जूम पर, और आप राधाष्टमी के विषय में कुछ सुनने के लिए आतुर हैं। ये बड़ा मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबके बीच में यहाँ पर आप सबका जूम एसोसिएशन ले रहा हूँ, जूम संघ ले रहा हूँ, और खास करके नंद दुलाल प्रभु का मैं भी अभिनंदन करता हूँ। नंद दुलाल प्रभु और अखिल बंधु प्रभु, ये दोनों हमारे मंदिर से बारामती आते हैं। नंद दुलाल प्रभु काफी सालों से बारामती आ रहे हैं और सुंदर से बारामती का निर्देशन कर रहे हैं। वहाँ के भक्त बहुत प्रसन्न है, बड़े खुश है। तो ये मेरा, जब मुझे प्रभु जी ने बताया कि आप प्रवचन कर सकते हैं क्या, तो उनको मैं नहीं बोल नहीं पाया, सच में समय नहीं था आज आज थोड़ा। लेकिन जब प्रभु जी बोले कि आप आएंगे क्या, तो मैंने हाँ बोल दिया। फिर बाद में मालूम पड़ा कि राधाष्टमी पर लेक्चर देना है, तो वो तो और कठिन हो गया था। राधाष्टमी का लेक्चर सबसे डिफिकल्ट लेक्चर होता है। आप देखेंगे पूरे वर्ष भर में हमारे इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, राइट, स्टार्टिंग से लेके नित्यानंद त्रयोदशी फेब्रुवरी में, तत्पश्चात गौर पूर्णिमा, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी, फिर बलराम अपीयरेंस, उसके बाद जन्माष्टमी और अभी राधाष्टमी। तो हमारे मंदिर में हम कुछ सालों से ये कार्य कर रहे हैं, जिसमें हम अलग अलग भक्तों को कहते हैं कि आप अलग अलग संडे को या फिर फेस्टिवल के दिन क्लास दीजिए। और मेरा एक अनुभव है कि कुछ डिवोटीज मान जाते हैं नित्यानंद त्रयोदशी, गौर पूर्णिमा इत्यादि के लिए, लेकिन जब राधाष्टमी पर्व आता है तो उसका लेक्चर देने के लिए बहुत लोग जो है आगे आते नहीं है, क्योंकि बहुत ऊंचा ये सब्जेक्ट मैटर है, ये कोई छोटी चीज नहीं है। तो पहले मैंने हाँ कह दिया, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज किया कि ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर मुझे मिल गया है राधाष्टमी का। तो अभी इस पर भगवान भगवान के भक्तों को खुश करना है, और टॉपिक भी बड़ा कठिन टॉपिक है, तो थोड़ा क्या करना चाहिए इस पर विचार कर रहा था मैं। तो उतने में मुझे परम पूज्य राधानाथ महाराज जी का एक प्रवचन मिल गया राधाष्टमी का, तो मैंने सोचा कि उसी के पॉइंट्स थोड़े लेकर, क्योंकि तो महाराज जी का लेक्चर 3 घंटे का था, तो उसी के थोड़े पॉइंट्स लूंगा मैं, और एक आध दो कथा जो है जो नेचुरल है राधाष्टमी के दिन वो कथा होनी चाहिए। इस जन्माष्टमी के दिन कथा करते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में और बाद में वृंदावन चले गए वो, तो उसी तरह अगर समय प्राप्त है, समय मिलेगा, तो हमें राधा रानी की जन्म की कथा भी हम कहेंगे। तो मुझे याद है ये जो है ये गिरिराज महाराज ने सुंदर सी ये बात कही थी। गिरिराज महाराज ये प्रभुपाद के बड़े वरिष्ठ शिष्य है, और राधानाथ महाराज और लोकनाथ महाराज और गोपाल कृष्ण महाराज के बहुत जो करीबी मित्र भी हैं। काफी वर्षों तक बॉम्बे में रहे, मुंबई में। अभी उन्होंने कुछ एक आध 2 महीने पहले एक सुंदर किताब का जो है प्रकाशन किया, जहाँ पर जुहू में जो अलग अलग लीलाएं प्रभुपाद ने की, उस पर उन्होंने प्रकाश डाला है अपना अनुभव श्री प्रभुपाद के साथ में। तो श्रील प्रभुपाद ने गिरिराज महाराज को लाइफ मेंबरशिप डिपार्टमेंट में डाला था कि आप जाइए और लोगों को लाइफ मेंबर बनाइए, और लोगों को धीरे धीरे कृष्णा कॉन्शियसनेस में लेकर आइए, जोड़िए। तो गिरिराज महाराज ये सारे बड़े बड़े धनी व्यक्तियों से मिलते थे। तो एक बार श्री गिरिराज महाराज का जो है पहचान बिरला ग्रुप के जो इंचार्ज है, जो बड़े मालिक है बिरला जी, उनसे उनका कनेक्शन हुआ, और उनके थ्रू बाद में वो बिरला के घर पे गए, उनसे बातचीत किया, उनको मेंबर बनाया, और बिरला की जो वाइफ थी, पत्नी थी, वो भी बड़ी इम्प्रेस हुई हरे कृष्ण वालों से। तो उन्होंने जो बिरला की माता जी जो है वो बोली कि क्या हम एक कार्यक्रम रख सकते हैं कि हमारे घर पर। तो गिरिराज महाराज बड़े प्रसन्न होकर कहे कि हाँ, क्यों नहीं। और उस समय श्रील प्रभुपाद जी मुंबई में थे, तो गिरिराज महाराज ने कहा कि हमारे गुरु श्रील प्रभुपाद जी मुंबई में हैं, वो आएंगे आपके घर में प्रवचन करने के लिए, आप अपने रिश्तेदारों को, अपने जो फ्रेंड्स हैं, तो बिरला के फ्रेंड्स तो बड़े बड़े होंगे, छोटे व्यक्ति कोई नहीं होंगे, उन सबको बुलाइए और एक कार्यक्रम रखेंगे।
तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपको एक टॉपिक बताती हूँ, आपके गुरु को करवाइए कि उस टॉपिक पे आप लेक्चर दीजिए। तो गिरिराज महाराज ने कहा कोई बात नहीं, आप टॉपिक चूज कीजिए और प्रभुपाद जी उस पर करा करें। तो प्रभुपाद जी को उन्होंने बताया ऐसा ऐसा कार्यक्रम है और ये दिन ये समय इस कार्यक्रम को होगा। प्रभुपाद जी मान गए। एक दो दिन पहले बिरला जी की पत्नी ने गिरिराज महाराज से वो टॉपिक दिया कि ये विषय पे आपको जो है अपने गुरु महाराज को बोलना है प्रवचन करने के। और टॉपिक क्या था? सीक्रेट ऑफ सक्सेस। इसका हिंदी अनुवाद है कि यश का जो है सक्सेस फॉर्मूला, यानी मराठी में यशाची किल्ली, राइट, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो गिरिराज महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, प्रभुपाद बोलेंगे इस पर। तो प्रभुपाद को कहा कि आपको इस टॉपिक पे लेक्चर देना है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। अभी जनरली ये टॉपिक जो है सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ये थोड़ा मॉडर्न टॉपिक है ना, क्योंकि ये सब टॉपिक हम कहीं स्कूल या कॉलेज या कई कंपनी कॉर्पोरेट एरिया ऑफिस में बना बताते हैं। और प्रभुपाद जी को बुलाया गया और सीक्रेट ऑफ सक्सेस टॉपिक दिया गया। तो प्रभुपाद जी पहुंच गए बिरला हाउस में। प्रभुपाद जी ने कीर्तन किया और उसके बाद प्रभुपाद जी ने अपना जो है प्रवचन आरंभ किया। किस विषय पर? सीक्रेट ऑफ सक्सेस। और प्रभुपाद जी ने आरंभ कैसे किया लेक्चर? कहा कि भगवान श्री कृष्ण की तीन शक्तियां हैं और प्रभुपाद ने उन तीन शक्तियों को पूरे विस्तार पूर्ण रूप से बताया। पहले प्रभुपाद जी ने कृष्ण के बारे में बताया, कृष्ण के पास विविध शक्ति है लेकिन उसके तीन प्रकार है, तटस्थ शक्ति, अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। और प्रभुपाद जी ने कहा कि अंतरंगा शक्ति आध्यात्मिक जगत में, बहिरंगा शक्ति इस मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में, और उसके बीच में तटस्थ शक्ति जो है सारे जीव जो इस भौतिक संसार में है या फिर आध्यात्मिक जगत में। तो तटस्थ शक्ति का मतलब है उस शक्ति जो जीव है उसके पास ऑप्शन होता है, चॉइस होता है, या तो वो अंतरंग शक्ति में रहे या बहिरंगा शक्ति में रहे, यानी या तो वो आध्यात्मिक जगत में रहे या फिर वो भौतिक जगत में रहे। तो प्रभुपाद जी ने पूरा ये लेक्चर आधा घंटा इस शक्तियों के बारे में बताया और अंत में कहा द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, जीवन का, यश का, प्राप्ति का एक ही मार्ग है, जब एक तटस्थ शक्ति जो इस भौतिक दुनिया में है उसके लिए सक्सेस फॉर्मूला ये है कि जब वो अपने आप को भौतिक एनर्जी या बहिरंगा शक्ति से ट्रांसफर करे आध्यात्मिक एनर्जी में या अंतरंगा शक्ति में। तो प्रभुपाद का फॉर्मूला सिंपल था, सीक्रेट ऑफ सक्सेस का मतलब है ट्रांसफरिंग ऑफ अ सोल फ्रॉम मटीरियल एनर्जी टू स्पिरिचुअल एनर्जी, यानी जब बहिरंगा शक्ति से निकल के एक जीव अंतरंगा शक्ति में जाता है तो वो उसके जीवन का यश हो गया, परिपूर्णता हो गई। इसलिए प्रभुपाद ने कितने सिंपल भाषा में जो सच में सक्सेस फॉर्मूला है उसको दर्शाया कि हमें जो है इस भौतिक दुनिया से परे जाने के लिए अंतरंगा शक्ति का हमें स्वीकृति या उनका आश्रय ग्रहण करने करना पड़ेगा। और अंतरंगा शक्ति यानी श्रीमती राधा रानी, इसका मतलब दुर्गा देवी के हमें आश्रय से निकल कर हमें राधा रानी का आश्रय लेना पड़ेगा। दुर्गा देवी इस संसार, इस मटेरियल वर्ल्ड की अधिष्ठाता देवी है, तो हम सब उनके अंडर में अभी है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ये हमारा स्थान नहीं है। इसलिए दुर्गा देवी अपने त्रिशूल से बार बार आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक क्लेश इस संसार के लोगों को प्रदान कर रही है। तो व्यक्ति को जानना चाहिए कि हमें यहाँ से ट्रांसफर होके आध्यात्मिक जगत जाना चाहिए। तो सिंपल फॉर्मूला है, राधाष्टमी का मतलब है हम दुर्गा देवी से या बहिरंगा शक्ति से निकल के श्रीमती राधा रानी के चरणों का हम आश्रय ग्रहण करते हैं। परम पूज्य राधानाथ महाराज जी बता रहे थे अपने लेक्चर में कि हमने सुना है भगवद गीता में कि हर एक जीव जो है वो भगवान का अंश है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। सही है कि नहीं? हमने सुना कितने बार कि जीव जो है भगवान का एक अंश है, पार्ट एंड पार्सल है। तो महाराज जी बोले अच्छे से, इस प्रकार से जीव भगवान का अंश है, उसी तरह जो भक्ति एक जीव करता है भगवान के लिए
वो हमारी भक्ति किसकी पार्ट एंड पार्सल है, वो राधा रानी की पार्ट एंड पार्सल, वो राधा रानी का अंश है। तो जो भी छोटा मोटा भक्ति हम कर रहे हैं आज की तारीख में, वो सारा जो अंश या सारा कृपा वो कहाँ से आ रहा है, श्रीमती राधा रानी से आ रहा है। श्रीमती राधा रानी भक्ति का पूरा जो रिसोर्स या पूरा जो स्रोत है वो श्रीमती राधा रानी है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्रीमती राधा रानी का प्रत्येक भक्त के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। हमारा बड़ा परम सौभाग्य है कि कलयुग में रहते हुए भी इस काल में हमें श्रीमती राधा रानी के बारे में कुछ सुनने मिल रहा है, कुछ बोलने का मौका मिल रहा है, कुछ पढ़ने के लिए मिल रहा है। ये जो है बड़ा कठिन चीज है। ये हमेशा हर काल में पूरे संसार में चारों युग में नहीं होता है। ये इन्फॉर्मेशन जो है राधा रानी का, ये ऐसा एक टिकट विंडो है जो हजारों सालों के बाद कुछ समय के लिए खुलता है। जिस प्रकार से रेलवे में जाते हैं तो अधिकतर 5 विंडो होते हैं, लेकिन 5ों विंडो खुले रहते नहीं, 1-2 विंडो पे टिकट सब चलते रहता है। तो पूछेंगे कि 2 विंडो क्यों खुला है, वो कुछ काम के लिए ऐसा हमेशा खुलता है, नहीं कभी कभी खुलता है। उसी तरह भगवान कृष्ण के बारे में इंफॉर्मेशन, भगवान नारायण के बारे में इंफॉर्मेशन, ये सारे हमें मिल जाएंगे, लेकिन राधा रानी का इंफॉर्मेशन सिर्फ जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, उसके बाद ये इंफॉर्मेशन 10,000 साल तक हमें प्राप्त होता है। तो इसीलिए ये कोई साधारण ऐसे कोई दिवस नहीं है, साधारण ऐसा ज्ञान नहीं है जिसे हम अपने जीवन में आसानी से हमें प्राप्त हो। ये एक हमारा परम सौभाग्य है कि हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से जुड़ गए हैं, और गौड़ीय वैष्णव यानी वो श्रीमती राधा रानी से कनेक्टेड है। श्रील भक्ति चारु महाराज बता रहे थे अपने एक प्रवचन में कि जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं उन्हें वैष्णव कहते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं उन्हें कार्ष्णेय कहते, कृष्ण कार्ष्णेय, विष्णु वैष्णव। और उन्होंने कहा जो गौड़ीय होते हैं ना वो श्रीमती राधा रानी के भक्त होते हैं। यानी क्या इसका मतलब है, हम भगवान श्री कृष्ण को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते, हम श्रीमती राधा रानी के माध्यम से अप्रोच करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सरल मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण को खुश करना बहुत कठिन है, क्योंकि वो अखिल जगत सम्राट है, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। तो हम क्या उनको ऑफर कर सकते हैं, किसी को खुश करना हो तो उनके पास जो नहीं है वो देंगे तो खुश होंगे कि नहीं, प्रेम से हम, लेकिन जिसके पास सब कुछ है उनको क्या दे सकते हैं। लेकिन अगर हम राधा रानी के थ्रू जाएंगे तो श्रीमती राधा रानी पिटीशन करती है अपनी तरफ से कि ये डिवोटी अच्छा सेवा कर रहा है, इसे आप स्वीकार कर दीजिए। और भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की बात को टाल नहीं सकते, और इसीलिए ये जो काउंटर है श्रीमती राधा रानी के ग्लोरीज का या ख्याति का, ये काउंटर के ऊपर खड़े रहकर अभी हमें चांस मिल रहा है, टिकट मिलने का चांस है। तो ये लाइन को हमें कभी छोड़ना नहीं है, भले हमारा नंबर जो है 50वां नंबर हो या 100वां नंबर हो, हम सही लाइन में है और हमेशा उस लाइन में अभी कृपा मिल रही है, कभी ना कभी नंबर आएगा। सोचना नहीं चाहिए अरे मेरा फ्रेंड था वो डिवोटी बाद में आया मेरे से, उसका नंबर आगे है मेरा पीछे नंबर, ये सब मत सोचिए। बस आप लाइन में खड़े हैं, यही बड़ा नंबर है कि चांस मिल जाएगा आपको, और आपको भगवान श्री कृष्ण की कृपा श्रीमती राधा रानी के द्वारा प्राप्त हो जाएगी। तो राधा रानी का जो तत्व है बड़ा गूढ़ तत्व है। ऐसे कहा गया है कि कुछ कुछ तत्व को जानना बड़ा कठिन है, उसमें से एक तत्व है गुरु तत्व। गुरु को जानना बहुत कठिन है, इसीलिए क्या कहते हैं कि गुरु की सेवा करो, और भगवान के मार्गदर्शन के द्वारा गुरु की सेवा करने से आपको जो भगवान श्री कृष्ण प्राप्त होते हैं। गुरु को पूरी तरह समझना बहुत कठिन है, गुरु तत्व कठिन है समझना, शिव तत्व भी कठिन है समझना। वो कैसे है, वो बीच में है, वो जैसे ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि जैसे भगवान कृष्ण दूध है तो दही क्या है, शिव जी है। तो उसी तरह अभी हम देखे चतुर्मास में अभी दही का वर्जन हो गया ना, दही नहीं खाते, बहुत डिफिकल्ट है। आजकल हमारे डिवोटी दही में भी कुछ ना कुछ शक्कर मिला के कुछ श्रीखंड बना लेते हैं,
कोई दही अलाउड नहीं, श्रीखंड खा सकते हैं। तो दही का तत्व जमा समझना बहुत कठिन है, तो शिव जी का तत्व समझना और भी कठिन है। गुरु तत्व शिव तत्व कठिन है, लेकिन सबसे ज्यादा कठिन है श्रीमती राधा रानी का तत्व जाना, क्योंकि ये तत्व ये हमेशा के लिए उपलब्ध नहीं है, कुछ समय के लिए 10,000 साल। तो भगवान श्री कृष्ण जो है ये आमतर अन्य युगों में जो है वो वैकुंठ भाव ऐश्वर्य भाव में प्रकट होते हैं, लेकिन ये जो युग है कलयुग जिसमें अभी वैवस्वत मनु का जो ये युग साइकिल चल रहा है, इसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्रज किशोर वृंदावन से अवतरित हुए हैं श्रीमती राधा रानी के साथ। तो ये जो भगवान श्री कृष्ण है इनके बारे में जानना बड़ा कठिन है, लेकिन श्रीमती राधा रानी के मार्ग के द्वारा हम कृष्ण को जान पा रहे हैं। लेकिन वो ही राधा रानी को जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण एक मार्ग बता रहे हैं जिससे राधा रानी को भी जान सकते हैं। ये क्या हो रहा है, एक डबल कनेक्शन है, इनको जानना है तो इनसे जान सकते, लेकिन इनको जानना है तो इनसे जानना पड़ेगा। तो ये है श्री चैतन्य महाप्रभु का तत्व। चैतन्य महाप्रभु तत्व है कि कृष्ण के द्वारा राधा रानी को जानो और राधा रानी के द्वारा कृष्ण को जानो। थोड़ा कठिन है, समझना कठिन है, इसलिए थोड़ा फ्यूज उड़ जाता है कभी कभी जब चैतन्य महाप्रभु के बहुत इंटीमेट फिलोसफी जानने का प्रयास करते हैं, श्रीमती राधा रानी को जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये जानना आवश्यक है सिंपल कि राधा रानी जो हमारी माँ है कि नहीं, और हमारी माँ जो होती है ना वो हमारे लिए सब कुछ होती है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि भौतिक दुनिया में हर परिवार में अधिकतर माता पिता होते हैं, बहन भाई होते हैं, लेकिन सबसे प्रेम जो होता है माँ के प्रति होता है, क्योंकि माँ जो है वो हमें बचपन से संभालती है। तो मातृ प्रेम जो है बहुत स्ट्रांग होता है, खास करके छोटे बच्चों का जो डिपेंडेंसी होता है ना वो माँ पे ज्यादा होता है। जैसे एक बार हम कुंभ मेला की यात्रा में गए थे, तो बड़ा कुंभ मेला होता है, लाखों लाखों लोग आते हैं कुंभ मेला, तो गांव के भी लोग बहुत आते हैं, शहर के लोग तो आते हैं, गांव के लोग भी आते हैं। कैसे आते हैं, बस अपना बोरिया बिस्तर उठा के आते हैं, सुबह आते हैं, शाम को निकल जाते हैं स्नान करते। तो अनिवार्य है कि उस समय जो है ना कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, कोई घूम गया, कहाँ मिलने वाला है कि नहीं। तो वहां पर एक काउंटर लगाता है, हमेशा लगता है। उस काउंटर का नाम होता है लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर, खोया पाया केंद्र। तो आप देखेंगे कुंभ मेला में स्नान के दिन ना ऐसे हमेशा अनाउंसमेंट देते हैं, बोलते हैं कि हाँ इलाहाबाद से आई है, और माता जी का नाम बोलते हैं, हाँ ये माता जी रो रही है, इनका बेटा कहाँ है, आके अपने माँ को लेके जाओ, ऐसे कुछ ना कुछ चलते रहता है। या फिर मुन्नू रो रहा है, उसको उसका माइक उसको मुंह में तो बोलते रहते, माँ कहाँ हो, ये अपने माँ को बुला रहा है, इसको मालूम नहीं माँ का नाम क्या है। तो ऐसे करके चिल्ला के पूरा अनाउंसमेंट होता है कि ये मुन्ना इधर से इस गांव से है, ये स्त्री इस गांव से घूम गई है, ये पुरुष इस गांव से घूम गया, जिसका जो घूम गया यहाँ पर खोया पाया केंद्र में आके आप जो है आप अपने जो खोए हुए रिश्तेदार को ले सकते। ऐसे अनाउंसमेंट चलते रहता है। तो एक बार ऐसा हो गया कि एक लड़का जो है छोटा बच्चा वो घूम गया, तो वो बेचारा रो रहा था, तो किसी ने उसको उठा के खोया पाया केंद्र में लेके आया। खोया पाया केंद्र में, तुम्हारा नाम क्या है, बच्चे ने बोला मेरा नाम मुन्नू है। अरे मुन्नू, तुम्हारा असली नाम क्या है, हमको मालूम नहीं, मुन्नू ही मेरा नाम। अच्छा ठीक है, मेरा बड़ा प्रॉब्लम है, लड़के का नाम उसको मालूम नहीं, उसको मुन्नू बोलते हैं। अरे मुन्नू तो हजारों होंगे, कितने सारे कुंभ मेला में छोटे बच्चों को छुंटू पुंटू बोलते रहते ना, तो मुन्नू भी नाम होगा। अभी कैसे ढूंढने का इसके माता पिता को ना, उसको तुम्हारी माँ का नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, बोले मेरी माँ का नाम माता है। अरे माँ का नाम माता है, मेरे माँ का नाम माता बुलाते हो, माँ को, पिताजी का नाम पिता है, तो बड़ा डेफिनेशन पूरा डिस्क्रिप्शन ही प्रॉपर सही नहीं है, तो कैसे मालूम पड़ेगा कौन क्या है। तो वे अनाउंसमेंट करते कि मुन्नू खो गया है, उनकी माँ जिनका नाम माता है कृपा करके आइए और लेके जाइए। अभी मुन्नू इतना सारा मुन्नू होगा, उसमें उसकी माँ का नाम माता है, कैसे मालूम पड़ेगा। तो फिर पूछा चलो बताओ आपकी माँ कैसे दिखती है, बोले मेरी माँ बहुत सुंदर दिखती है। अच्छा, और माँ के बारे में, मेरी माँ बहुत प्यार करती है, और बताओ माँ के बारे में, और माँ जो है मेरी बहुत मुझे अच्छे से खिलाती पिलाती। अभी ये सब थोड़ी अनाउंसमेंट कर सकते हैं,
वो पूछ रहे माँ के बारे में कुछ बताओ, तो ये अपना माँ का प्रेम बता रहे हैं, माँ को खिलाना है पिलाना सब बता रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करना चाहिए। तो अनाउंस कर, अनाउंस कर, बोले मुन्नू खो गया है, गाँव का नाम पता नहीं है, माँ का नाम माता है, जो भी है इसे आके लेके जाओ। बेचारा मुन्नू रो रहा है, माँ नहीं आ रही है। 3-4 घंटे के बाद एक माता जी भाग के आई, बोला मेरा लड़का घूम गया, मिला क्या? जैसे मुन्नू को देखा उसने पकड़ लिया, उसको चूम लिया और गले में लगा लिया। तो ये जो व्यक्ति जो जांच पड़ताल केंद्र पे था, वो देख रहा कि इस लड़के ने बोला मेरी माँ बहुत सुंदर है, बहुत प्रेम करती है मुझको। वो उन्होंने देखा उस महिला को, इतनी को सुंदर नहीं थी, अच्छी थी माता जी, अच्छी थी लेकिन सुंदर नहीं, मेरी माँ बहुत सुंदर है। तो इसका मतलब ऐसा है कि हर एक बच्चे को उनकी माँ कैसी भी हो, भले वो कुरूप हो या मिस यूनिवर्स हो, लेकिन उनके लिए क्या है, वो बहुत सुंदर है। तो एक इससे एग्जाम्पल से हम सीख सकते हैं कि अगर इस भौतिक संसार में अगर किसी ने हमें प्रेम दिया है, वो प्रेम देना देने वाला व्यक्ति हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, सबसे सुंदर व्यक्ति हो जाता है। सोचिए जो ओरिजिनल प्रेम जो मिलता है हमें, कृष्ण प्रेम, वो कहाँ से मिल रहा है? श्रीमती राधा रानी के द्वारा। तो श्रीमती राधा रानी सच में सबसे सुंदर है, सच में सबको ज्यादा प्रेम मिल सकती है। तो उनके साथ में कनेक्शन जुड़ना हमारे हमारा कितना बड़ा भाग्य की बात है। हम तो खोया पाया केंद्र में चिल्ला रहे, हमारी माँ किधर है, हम ढूंढ रहे अपने माँ को। ओरिजिनल माँ श्रीमती राधा रानी है कि नहीं? तो ये श्रीमती राधा रानी से हमारा कनेक्शन जो है अभी शिल प्रभुपाद की कृपा से जुड़ गया है। शिल प्रभुपाद जी, इनके पिताजी जो थे गौर मोहन डे, ये हमेशा प्रार्थना करते, सब साधुओं को बुलाते थे अपने घर में प्रसाद के लिए, उनको दक्षिणा देते, और हर साधु को कहते थे कि आप जो है ना मेरे एक प्रार्थना कीजिए भगवान से कि मेरा लड़का जो है अभय, ये राधा रानी का डिवोटिव है। तो देखिए शिल प्रभुपाद जी हमारे ऐसे परम शुद्ध भक्त है श्रीमती राधा रानी के। और ये शिल प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए 1965 में, उनका उम्र उस समय 69 था, 69 ईयर्स। जैसे अमेरिका पहुंच रहे थे उनका जहाज, उस समय उन्होंने दो भजन लिखे, उसमें से एक भजन था कृष्ण तब पुण्य होबे भाई, जे पुण्य करिबे जबे राधा रानी खुशी होबे, ध्रुव अति बोली तो मार जाए। इसका मतलब है कि कृष्ण जब पुण्य हो भाई, हम जो भी भक्ति कर रहे हैं, जो भी हम भक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस में कर रहे हैं, उसका एक ही मकसद है राधा रानी खुशी हो। श्रीमती राधा रानी खुश होना चाहिए। हमारी भक्ति टूटी फूटी भक्ति है ना, ठीक से भक्ति भी करने आने रहा है, बस थोड़ा बहुत कर रहे हैं, बस अपना काम कर रहे, करना है इसलिए कर रहे हैं, बहुत लोग हम लोग टेस्ट वेस्ट ज्यादा नहीं है, लेकिन प्रयत्न कर रहे हैं। उस प्रयत्न से हमारा एक ही है कि कृष्ण को हम, उस प्रयत्न से हम खुश नहीं कर सकते, लेकिन राधा रानी खुशी हो गई, यही यही उपचार है कि चलो कुछ ना कुछ हाथ पर मार रहे भक्ति में, राधा रानी ने देख लिया तो राधा रानी क्या बोलेगी, कि राधा रानी खुशी हो गई, राधा रानी प्रसन्न होगी कि ये व्यक्ति जो है बहुत परिश्रम कर रहा है, हाथ पैर मार रहा है, चलो और क्या करे, कृष्ण तव पुण्य होवे भाई, जे पुण्य करिबे जबे राधा रानी खुशी हो गई, जितना भी हम पुण्य काम कर रहे, जितना भक्ति कर रहे, राधा रानी प्रसन्न हो गई तो फिर कृष्ण ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो गए। तो श्री प्रभुपाद ने ये सारा साक्षात्कार अपने भजन में लिख दिया कि मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरा एक ही मकसद है, मैं थोड़ा बहुत प्रयत्न करूंगा भक्त प्रचार करने का, तो उस प्रयत्न श्रीमती राधा रानी प्रसन्न हो जाएगी तो भी कृष्ण भी प्रसन्न हो जाएंगे मुझ पर कि मैंने एक प्रयत्न किया, मैं तो बूढ़ा व्यक्ति। तो ये कॉन्शियसनेस हमारा है, क्या कॉन्शियसनेस है कि हमें जो है श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त हो गई तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमें अवश्य प्राप्त हो गई। सबसे ऊंचा, सबसे उत्तम श्रेणी के जो भक्त है उसमें से सबसे टॉप में श्रीमती राधा रानी का नाम है। एक ग्रंथ सनातन गोस्वामी ने लिखा, इसका नाम है बृहद भागवतामृत। इस ग्रंथ में ऐसे एक सुंदर कथा उन्होंने रची जहाँ पर सबसे अच्छे डिवोटी की खोज चले हो रही है, नारद मुनि अच्छे डिवोटी की खोज कर रहे हैं,
और खोज करते करते एक पृथ्वी के राजा के पास से फिर वो आगे जो देवताओं लोक में जाते हैं, इंद्र, बाद में शिव जी, ब्रह्मा जी, ऐसे करते करते खोज करते करते वो बोलते मुझसे अच्छा डिवोटी ये है, वो क्यों जाते हैं तो बोलते मुझसे अच्छा डिवोटी तो ये है, ऐसे करते कर हनुमान जी के पास जाते हैं और बाद में उद्धव जी के पास आते हैं, नंद मारा यशोदा, अंत में गोपियों के पास आते हैं, और लास्ट में सबसे उत्तम डिवोटी कौन है, वो श्रीमती राधा रानी, टॉप मोस्ट डिवोटी ऑफ कृष्ण। तो ब्रज में, खास करके वृंदावन में, आप देखेंगे कि वहां की प्रथा ऐसी है कि वो सब जो है कहते हैं कि मैं कृष्ण के भक्त नहीं हूँ, मैं राधा रानी का भक्त। क्यों? राधा रानी का भक्त बनना एक तरह से कृष्ण पे अप्रोच करने का एक सरल मार्ग, और बड़ा ऊंचा मार्ग भी है, ऐसे नहीं कि सरल चीज है, लेकिन चांसेस ज्यादा है। गुरु महाराज के प्रभुपाद कृपा से हम अप्रोच करेंगे तो हमारा नंबर लग सकता है। परम पूज्य राजनाथ महाराज जी ने एक बार वृंदावन परिक्रमा में सुंदर कथा बताई। ये कथा ऐसी है कि एक बाबा जी थे वृंदावन, जो नित्य नियम से बिना भूले रोज वृंदावन की परिक्रमा करते थे। तो उनका एक नियम था रोज का कि वृंदावन परिक्रमा पहले करूंगा, तब जाके कुछ जल या अन्न ग्रहण करूंगा। तो रोज की बात थी, तो बाबा जी थे, बहुत सालों से वृंदावन में थे, उनका शरीर बहुत दुर्बल थे, कुछ था नहीं उनके पास, बस छोटा एक धोती था और माला थी, हरे कृष्ण करते चल रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे, बाल जटा बड़ा हो गया था। ये पहले की बात है, आजकल की बात नहीं है। आजकल तो परिक्रमा में अच्छे डांबर का रास्ता बन गया है, अच्छे रोड बन गए। पहले के जमाने में जो वृंदावन यात्रा परिक्रमा, यानी आपके पैरों में कम से कम 2-3 कांटे तो छुएंगे ही, तो उस समय की बात है जब ये सॉरी नंगे पांव चलते थे और वृंदावन परिक्रमा करते थे, तो कांटा चुभना स्वाभाविक था, लेकिन उनके लिए नॉर्मल था। वो चलते चलते जा रहे थे, रास्ता कुछ नहीं था तो झाड़ियों के बीच में से जाना पड़ता था। तो ऐसे एक बार वो झुक झुक के जा रहे थे परिक्रमा में, तो एक कांटे का झाड़ ऊपर बड़ा था, झुकते झुकते थोड़ा झुकना कम हो गया, तो उनके जटा जो थी वो कांटे में फंस गई। अभी देखिए, जटा कांटे में फंस गया तो कैसे बेचारा निकालेगा, क्योंकि जटा ऊपर है, वो सिर ऊपर करेगा जटा पीछे जाएगा और तो कांटा पीछे जाएगा, तो बहुत परिश्रम किया कांटा निकालने के जटा से, अपने बड़े बड़े बालों से, लेकिन जितना परिश्रम कर रहे थे कांटा और घुस रहा था और पूरा वो ऐसे जटा में फंस गया। सोचिए अभी क्या होगा, जटा पूरा फंस गया है कांटे में, वो आगे भी जा नहीं पा रहे, पीछे भी जा नहीं पा रहे, और कांटों का झाड़ तोड़ सकते हैं, तोड़ेंगे तो हाथ पूरा कट जाएगा। तो बड़े दुविधा में हो गए, वो जाना भी नहीं, पीछे भी आगे नहीं, और ऐसे नहीं कि उस समय वृंदावन परिक्रमा बहुत तो चलते थे तो हेल्प करने की कोई है, कोई नहीं था। तो बेचारे फंस गए, साधु महाराज जी जब करे और भगवान से प्रार्थना करे, हरे कृष्ण चल रहा है, काफी घंटे निकल गए लेकिन वैसे फंसे रहे बेचारे को, तो ना ही तो पानी पिया था, ना ही तो अन्न खाया था। तो भगवान श्री कृष्ण को बड़ी दया आ गई, तो भगवान श्री कृष्ण कहेंगे चलो जाके हम कुछ करते हैं इनके लिए। तो भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हो गए अपना भेष बदलकर, और उन्होंने कहा बाबा से, क्या हो गया बाबा? तो मैं कुछ नहीं, परिक्रमा कर रहा था, मेरा जटा फंस गया है। अच्छा, तो मैं आपका मदद करूं? तो बाबा ने कहा कि हाँ क्यों नहीं, अगर आपका इच्छा है तो मदद कीजिए। तो कृष्ण भगवान जो अपने शरीर को पूरे रूप को छुपाए हुए थे, उन्होंने उस कांटे को निकाल दिया, और बाद में कहा कि बाबा कितने घंटों से फंसे हो? तो काफी घंटे हो गए, कुछ खाया पिया कि नहीं? बोला नहीं 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 अभी जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है क्यों? खाओ कुछ, मैं लेके आया कुछ खिलाने को आपको। बोला नहीं 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 मैं परिक्रमा करता हूँ, परिक्रमा के होने के बाद ही कुछ ग्रहण करता हूँ। तो कृष्ण जो उन्होंने अपना फॉर्म रूप चेंज किया, बोले कि मैं आपको खिला रहा हूँ, खाएंगे? खाइए, आप खाई भी, अच्छा है, पानी दिया और खाने को दिया। नहीं 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 मैं कुछ नहीं खाऊ। तो कृष्ण ने कहा कि किसके लिए आप परिक्रमा कर रहे? बोले मैं कृष्ण के लिए परिक्रमा कर। अच्छा, अगर कृष्ण आके बोलेंगे आप खाओ तो खाएंगे क्या? कृष्ण क्यों आएंगे मुझे बोलने के लिए, मैं छोटा व्यक्ति हूँ। दूसरे भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने अपना भेष बताया था, उन्होंने अपना कृष्ण रूप बताया उनको और खड़े हो गए, मैं आपका कृष्ण हूँ, आप बताइए, आपको बोल रखा हो, मेरे लिए तो कर रहे हैं आप ना।
तो आप खाइए आप। तो वो व्यक्ति इतना गदगद हो गया, भगवान श्री कृष्ण को देख के दंडवत प्रणाम किया। लेकिन वो बड़े चतुर डिवोटी थे, वो सोचे कि कृष्ण तो आ गए लेकिन लेकिन क्या है, थोड़ा टेस्ट करेंगे कृष्ण। तो खड़े होकर बोले, नहीं नहीं फिर भी मैं खाऊंगा नहीं आपके हाथ। अरे मैं कृष्ण आपका ही मैं स्वामी हूँ, आपको बोल रहा खाओ अभी, फास्टिंग वास्टिंग तोड़ दो अभी, आप जल ग्रहण कीजिए। तो बोले कि जो कृष्ण आप बोल रहे हैं आप है, लेकिन मुझे कैसा मालूम पड़ेगा कि आप कृष्ण हैं। तो मैं खड़ा हूँ कृष्ण पीताम्बर वेश है, हाथ में मेरा फ्रूट है, मोर पंख है, वो सब ठीक है, शायद आप द्वारका कृष्ण हो सकते हैं, मथुरा कृष्ण हो सकते हैं, मुझे तो वृंदावन कृष्ण की पूजा करता हूँ, भक्ति करता हूँ। तो बोले, अरे मैं वृंदावन कृष्ण हूँ, देखो मेरा फ्रूट है और नहीं, मुझे कुछ प्रमाण चाहिए। कृष्ण का क्या प्रमाण चाहिए आपको? बोले देखो राधा रानी जो है ना, वो वृंदावन की अधिष्ठाता देवी है, राधा रानी आके कह दिया कि ये मेरा कृष्ण है तो मैं मान लो। तो भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे, बड़ा उस्ताद भक्त है, मैं दर्शन प्राप्त कर लिया लेकिन उन्हें राधा रानी का दर्शन प्राप्त करना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई और श्रीमती राधा रानी वहां चल के आई। राधा रानी को देख के वो पूरा साधु गदगद हो गया, दंडवत प्रणाम किया और खड़े हो गया। और राधा रानी कहा, ये मेरे कृष्ण, ये वृंदावन कृष्ण है, ये राधा रानी के कृष्ण है। तो साधु ने कहा, अब भी मैं कृष्ण आप पर विश्वास करता हूँ कि आप भी मेरे कृष्ण, क्योंकि प्रमाणित किसने किया? श्रीमती राधा रानी। तो देखिए श्रीमती राधा रानी के माध्यम के द्वारा ही हम कृष्ण को समझ पाएंगे, अन्यथा कृष्ण सामने भी खड़े रहेंगे या कृष्ण हमारे जीवन में भी आएंगे, हम उन्हें समझ नहीं पाएंगे। कि कृष्ण जो बड़े ऊंचे तत्व है, स्वयं भगवान कृष्ण है, लेकिन श्रीमती राधा रानी जो है एक डिवोटी का स्वरूप है उनका, भक्तों के माध्यम से हम कृष्ण को जान पाएंगे। श्रीमती राधा रानी की इस कथा से समझ जाता है कि हम कृष्ण को डायरेक्टली भक्ति नहीं कर सकते, भक्तों की सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे भक्तों के मार्गदर्शन में, तो उसके द्वारा कृष्ण को हम पहचान पाएंगे, कृष्ण को हम समझ पाएंगे। तो इस तरह से श्रीमती राधा रानी का हमारे पूरे भक्ति तत्व में, भक्ति फिलॉसफी में बहुत इम्पोर्टेंट एक योगदान है। भगवान श्री कृष्ण भी श्रीमती राधा रानी के प्रेम के पीछे जो है वो गदगद हो जाते हैं, वो अपने आप को भूल जाते हैं, इतना प्रेम श्रीमती राधा रानी का कृष्ण के प्रति है। एक सुंदर कथा आती है वृंदावन की परिक्रमा में, गोवर्धन की बड़ी परिक्रमा में एक जगह जिसका नाम है पैठा। तो पैठा वो स्थान का नाम है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने प्रवेश करके वहां से गोवर्धन को उठाया था। तो आज भी वो पैठा गांव प्रसिद्ध आज भी है, और वहां पर एक सुंदर मंदिर है जिसका नाम है पैठा बिहारी, भगवान का नाम बैठा बिहारी। तो बैठा बिहारी का एक कथा ऐसे है कि वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो है सारे गोपियों और राधा रानी से अलग होकर वो क्या हो गए थे, ओझल हो गए थे। सारी गोपियां और राधा रानी देख रहे थे भगवान श्री कृष्ण कहाँ है, भगवान श्री कृष्ण कहाँ है। तो ढूंढते ढूंढते जब ये इस गाँव में आए तो भगवान श्री कृष्ण देखा गोपियां आ रही है मेरी तरफ। भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्भुज नारायण का रूप लिया और चतुर्भुज नारायण के रूप में खड़े हो गए। सारी गोपी आ गई, दंडवत प्रणाम किया, बोले नारायण भगवान दंडवत प्रणाम। बोले क्या चाहिए मांगो? बोले हमें कृष्ण चाहिए। बताइए कृष्ण को देखा कहीं जाते हुए? तो नारायण ने अपने दोनों हाथ से शंकर चक्र, खड़े थे चार हाथ थे, तो दो हाथ को ऐसे दिखाया, इधर गए लेफ्ट साइड में। तो गोपियों ने कहा दंडवत प्रणाम करके निकल गए उस तरफ। तो भगवान हंस रहे थे अपने आप को कि मैं नारायण के रूप में इनको वहां भेज दिया तो वहां चले गए। थोड़े समय के बाद श्रीमती राधा रानी वहां आई अकेली, और वो भगवान कृष्ण को ढूंढ रही थी, व्याकुल थी। जैसे भगवान नारायण को देखा, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, लेकिन श्रीमती राधा रानी का इतना अगाढ़ प्रेम था भगवान कृष्ण के प्रति कि जब राधा रानी ने पूछा कि आपने भगवान कृष्ण को देखा क्या नारायण जी, तो जब नारायण जो भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप लिए थे, तो उन्होंने जब अपना दो हाथ उठा के दिखाने गए इस तरफ, भगवान भी अपने हाथ को संभाल नहीं पाए, उनके चारों हाथ में से दो हाथ ओझल हो गए और बचे क्या थे, दो ही हाथ, और हाथ में एक क्या था, फ्रूट था। तो राधा रानी के सामने कृष्ण भी जो है अपने आप को छुपा नहीं पाए। ये श्रीमती राधा रानी का महत्वपूर्ण प्रेम है।
तो ये जो सिद्धांत है कि श्रीमती राधा रानी जो सबसे महत्वपूर्ण भक्त है भगवान श्री कृष्ण का, ये सिद्धांत हमारे जीवन में, जैसे हमने कहा था कि कुछ समय के लिए विंडो खुला है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत हुई भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के पहले वृंदावन में भी जो भी मंदिर होते थे उसमें सिर्फ कृष्ण भगवान की अर्च वगैरह की पूजा होती थी, राधा रानी की पूजा कभी नहीं थी, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु आने के बाद जब उन्होंने षड़ गोस्वामियों को वृंदावन भेजा, तो धीरे धीरे जब अलग अलग ड्यूटीज की स्थापना हुई तो बाद में श्रीमती राधा रानी की सेवा पूजा भी आरंभ हो गई। इसलिए एक सुंदर भजन जो गाते हैं हमेशा हम, यदि गौर ना होई तो तबे की होई तो, गौर यानी चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु ना होते तो क्या होता। और उस भजन में अलग अलग चीज बताया कि चैतन्य महाप्रभु है आए इसलिए हमें ये सब मिल रहा है। सबसे पहला वाक्य उसमें क्या है, यदि गौर ना होई तो तबे की होई तो, फर्स्ट वाक्य, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जाना थे, कि राधा रानी की महिमा कोई जान नहीं पाता, कुछ भी मालूम पड़ता नहीं था कि राधा रानी कौन है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आए जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का वेश धारण करके आए और अब संसार को वो राधा रानी के प्रेम से अवगत करा रहे। तो चैतन्य महाप्रभु कृपा से हमें श्रीमती राधा रानी का जो है ज्ञान प्राप्त हुआ है, और वही ज्ञान जो सिर्फ ब्रज में था या नवद्वीप में था या कुछ स्थानों पे था, कुछ संस्थाओं, एक खास मंदिर थे ऐसे बस उसके द्वारा प्रकाशित था, लेकिन वही चीज श्रील प्रभुपाद के बाद 1965 से ये सारा ये जो तत्व का ज्ञान पूरे विश्व भर में प्राप्त हुआ है, राइट। अभी हम आप बारामती में है, मुंबई में हो, अभी हमारा कुछ कनेक्शन ही नहीं है वृंदावन से, राइट। मुझे एक बार याद है मैं जब एक प्रवचन के लिए गया जगह पर, कॉलेज को स्टूडेंट्स के छात्रों छात्रावास में हॉस्टल में, तो मैंने उनसे पूछा आप में से कितने लोग वृंदावन गए, चार लोगों ने हाथ ऊपर किया, तो मैं खुश हो गया, अरे वाह ये डिवोटीज है वृंदावन जाके आए। तो बोले कहाँ पर वृंदावन गए थे, किधर वृंदावन है, बोला मैसूर में ना वृंदावन गार्डन वहां जाके। मैंने कहा हे राम, तो ओरिजिनल वृंदावन को जानते नहीं कोई, तो हम कैसे जान रहे वृंदावन को मथुरा को, राइट। ये सब क्योंकि हम इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, और इस्कॉन से जुड़े हुए हैं इसलिए चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानते हैं श्री प्रभुपाद के द्वारा, और श्री श्री राधा और गोपीनाथ श्री राधा कृष्ण के बारे में जानते हैं। तो श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा है कि उन्होंने पूरे विश्व भर में ये कृष्ण भावनामृत को फैलाया है, हम सिर्फ इस्कॉन में कनेक्ट हुए और सब कुछ मिल गया। सोचिए इस्कॉन से कनेक्ट हुए और सब कुछ मिल गया, जीवन का लक्ष्य क्या है, कैसे भक्ति करनी चाहिए, गुरु प्राप्त हो गए, वैष्णव का संग मिला है, अच्छा प्रसाद मिला है, अच्छा संग मंदिर इत्यादि सब कुछ एक जगह आ गए, सब कुछ मिल गया। ये श्रील प्रभुपाद का बहुत बुद्धिमानी प्लान था, इसलिए कहते हैं श्रील प्रभुपाद बिल्ट अ हाउस इन विच होल वर्ल्ड कैन लिव। प्रभुपाद जी ने ऐसा एक संस्था बनाया, एक घर जिसके अंदर सारे विश्व भर के लोग वहां रह सकते हैं, राइट। तो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के सेंटरों को बनाया, और इस्कॉन के सेंटर तक आने के लिए क्या किया, प्रचार शुरुआत किया। तब तो जाते हैं बाहर प्रचार करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो लोग किताब पढ़ते हैं, मंदिर में आते हैं, एक बार मंदिर में आते हैं मंदिर में प्रसाद लेते हैं, भक्तों का संग करते हैं, फिर उनका जीवन चेंज हो जाता है, और चेंज होता है तो बाद में भक्तों का साथ रह रहे के सब कुछ मालूम पड़ जाता है, भक्ति क्या है, चार नियम क्या है, मनुष्य जीवन क्या है, और हरे कृष्ण मंत्र क्या है, और राधा रानी क्या है, ये भी मालूम पड़ जाता है। तो कैसे एक प्रभुपाद का एक सुंदर प्लान जो है इतना सुंदर इतना एग्जीक्यूट हो रहा है कि पूरे विश्व भर में लोगों को श्रीमती राधा रानी के बारे में जानकारी मिल गई। और ये जानकारी जैसे कहा कि हमेशा के लिए नहीं होगा, ये बस हमारा सौभाग्य है कि इस 10,000 साल में हम इस समय ऐसे पैदा हो गए कि हमारा संपर्क हो गया और हमें पता चल गया, शायद 10,000 साल के बाद फिर तो मिलने का चांस ही नहीं ये सब ज्ञान वगैरह। श्रील प्रभुपाद कहते थे हमेशा अपने भक्तों को अवगत कराते थे अच्छे से भक्ति करो, क्योंकि अच्छा भक्ति नहीं करेंगे तो भगवत धाम जा नहीं पाएंगे। तो
तो अच्छा भक्ति नहीं करेंगे, भगवत धाम जाएंगे नहीं। भक्ति किया है, थोड़ा वो धक्का मार के भक्ति किया है, कुछ ना कुछ किया है, तो उसके कारण क्या होगा? निचला प्राणी क्या, प्राणी के जन्म तो मिलेगा नहीं, तो शायद स्वर्ग लोक में जाकर भोग करना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी देखते हैं हम कि भक्त होने के बावजूद भी हमारे अंदर भोग की कामना होती है, तो शायद भोगावस्था को प्राप्त करने के भगवान श्री कृष्ण एक चांस देंगे, चल जाके आओ, वेकेशन करके आओ स्वर्ग लोक में, जन लोक में या फिर चंद्र लोक में। तो जब जाते हैं हम किसी स्वर्ग लोक में, तो वहाँ बहुत बड़ा आयु होता है ना, जैसे यहाँ पर 6 महीना उनका एक दिन है, 12 घंटा है, तो अगर वहाँ एक राउंड मार के भी आ गए तो आते आते इधर 10,000 साल निकल जाएंगे, तो चांस बहुत कम होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे जीवन में अच्छी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिली हमें श्रीमती राधा रानी के बारे में जानकर, भगवान श्री कृष्ण को अप्रोच करने का एक मौका मिला है। तो श्रीमती राधा रानी का अभी आविर्भाव दिवस है मंगलवार को, और श्रीमती राधा रानी को जब भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक वृंदावन में कहा कि अभी अब समय आ गया है मुझे और आपको नीचे अवतरित होना है, तो श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण से कहा कि मैं आपकी सेवा करती हूँ, लेकिन आपके सेवा में एक बहुत महत्वपूर्ण भाग के रूप में मुझे वृंदावन, गोवर्धन और यमुना, ये तीनों की आवश्यकता है। तो ये तीनों नहीं रहेंगे तो नीचे जाके आपकी सेवा करना मेरा कठिन हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा के कहे कि मुझे पता था इसके बारे में, इसीलिए हम दोनों के जाने के पहले मैंने वृंदावन फॉरेस्ट को, वृंदावन ब्रज के 12 वन को आगे भेज दिया, ऑलरेडी प्रकट हो गए भौतिक दुनिया में, यमुना को भेज दिया है और गोवर्धन को भी भेज दिया है, तो जब हम दोनों प्रकट होंगे तब तक वो सब वहां पर विद्यमान हो जाए। श्रीमती राधा, पहले भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और बाद में श्रीमती राधा रानी का अवतरण हो गया। तो श्रीमती राधा रानी का अवतरण लीला भी बड़ा बड़ा अद्भुत है। जिस प्रकार से दशरथ महाराज को सीता कन्या प्राप्त हुई थी, जमीन को वो जब हल से जोत रहे थे तो जमीन से एक पेटी मिली, पेटी के अंदर 1,000 पुष्प कमल के ऊपर एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम उन्हें सीता रखा। सीत यानी हल, हल चलाना, हल चलाने से मिला तो सीता नाम पड़ गया। इसी तरह भगवान श्रीमती राधा रानी जो है, ये वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी के घर वह उनका अवतरण हुआ। कैसा अवतरण हुआ? तो वृषभानु महाराज एक बार जमुना उनके घर के बगल रावल में उनका घर था उस समय, और भगवान श्री कृष्ण का घर था नंद आनंद गोकुल, गोकुल महावन पास में ही है। तो वृषभानु महाराज गए थे यमुना में स्नान करने के लिए। यमुना नदी के आसपास एक छोटा सा एक सरोवर जैसा बन गया था यमुना के पानी से, तो वहां स्नान करने गए तो दूर उन्होंने देखा बहुत प्रकाश आ रहा था, तो जाके देखा तो उधर बगल एक मध्य में उस सरोवर के 1,008 पंखुड़ी का कमल का फूल था, और उस कमल के फूल पर एक सुंदर बालिका वो वहां पर जो है खेल रही थी। तो वृषभानु महाराज एकदम प्रसन्न हो गए, अचानक ये क्या हुआ, ये ऐसे कभी देखा नहीं दृश्य कि सरोवर के अंदर एक कमल आ गया है, उस कमल का पंखुड़ी भी इतने सारे 1,000 पंखुड़ी है और उसमें एक बालिका है, सुशोभित है। विश्वभानु महाराज ने उस बालिका को जो है उठा लिया और उसे घर पे लेके आए। तो इस तरह श्रीमती राधा रानी के राधाष्टमी के दिन ये कथा हुई थी, और राधा रानी इस समय उस तरह विश्वभानु महाराज के घर पर रहने लगी। नारद मुनि को पता था कि भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के बाद में राधा रानी का अवतरण होने वाला है, तो राधा रानी की, कृष्ण का अवतरण तो बड़ा फेमस था, सब देवता को पता था, लेकिन राधा रानी का अवतरण जो है बड़ा सीक्रेट था, सबको पता नहीं था। तो नारद मुनि को भी इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो वो अपना पूरा जीपीएस, जीपीएस बोल सकते नहीं, लेकिन ऐसे उस तरह से पूरा अपना इन्फॉर्मेशन शास्त्र के द्वारा पढ़ के ही, इधर ऐसा है इधर ऐसा है, अभी तो टाइम हो गया राधा रानी के अपीयरेंस का, आना चाहिए, ढूंढ ढूंढ के चप्पा चप्पा वृंदावन जा रहे थे, और उन्हें लगा कि ये रावल में मुझे कुछ संकेत मिल रहा है, तो रावल पहुंच गए और उनको पूरा अपने भक्ति से एक उत्तेजना मिली कि ये वृषभानु महाराज के घर पे ही राधा रानी जो है प्रकट हुई। तो नारद मुनि चले गए वृषभानु महाराज के घर पे,
और विश्व भानु महाराज बड़े खुश हो गए, नारद मुनि हमारे घर पे आगे, बड़ा स्वागत, बड़ा अच्छा किया, उनके पुत्र श्रीदामा थे उनके द्वारा उनका चरण अभिषेक कराया, उनका सारा फैसिलिटी वगैरह करने के बाद नारद मुनि ने कहा मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ, आप घर वालों को सब बुलाइए। तो वो बोले कि हाँ हम तीनों ये दीप्तिदानंद और मैं और मेरा एक पुत्र श्रीदामा। तो नारद मुनि ने कहा आप तीनों ही? हाँ तीनों ही हम और कोई। तो नारद मुनि सोचा अरे मेरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता है, इस घर में एक बालिका भी होनी चाहिए, लेकिन कैसे पूछो कि बालिका है कि नहीं। तो उन्होंने कहा सच में आप तीनों ही हैं, कोई बात नहीं चलो अच्छा है करके बैठ के बात किया। बाद में निकल रहे थे तो कीर्तिदा देवी ने विश्वभानु से कहा कि हम झूठ नहीं बोलना चाहिए नारद मुनि से। तो मैं झूठ नहीं बोल रहे लेकिन नारद मुनि इतने बड़े संत महात्मा है, उनको अगर हम अपना दुख बताएंगे तो दुखी हो जाएंगे। संत महात्माओं को सेवा करना चाहिए, उन्हें सुखी बनाना चाहिए, इसलिए मैंने अपना दुख बताया। तो दुख क्या था कि जब से वो लड़की छोटी बच्ची मिली थी विश्वभानु को, तब से विश्वभानु जो लड़की थी वो नहीं तो अपना आंख खोल रही थी मानो वो अंधी थी, और उनके कानों में से खुशियां था और मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था शब्द। तो उन्हें लगा कि बड़ा दुख का घट रहा है कि एक बालिका मिली है लेकिन वो आंखों से और मुख से और कानों से वो जो है अपंग है, तो ये कैसे बताए नारद मुनि को। लेकिन तृतीया ने कहा नहीं आप बताओ नारद मुनि को, बाद में बुलाओ उनको और कहो शायद उनके आशीर्वाद से सब ठीक हो जाए। तो नारद मुनि सोच रहे थे कि यार ऐसे कैसे हो गया, मेरा कैलकुलेशन गलत हो गया। तो नारद मुनि जब चले गए लेकिन विश्वभानु महाराज पीछे भाग के गए, कहा कि नारद मुनि जी एक आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया नहीं। नारद मुनि कहा मुझे मालूम है एक इन्फॉर्मेशन कुछ तो मिसिंग है, घर पे आइए। और उन्होंने फिर उस बालिका को लेके आए, कहा कि ये बालिका ने आंख नहीं खोला है, कुछ बोल नहीं रही है, कुछ सुन नहीं पा रही है, तो इसलिए हमने बताया नहीं इसके बारे में। नारद मुनि ने कहा इतनी बात है बस, अरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी आप क्या क्या कीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस बालिका का आप जो है आविर्भाव महोत्सव मनाइए, और उस महोत्सव में आप क्या कीजिए आप सारे लोगों को बुलाइए, बड़ा धूमधाम का एक महोत्सव मनाइए, और खास करके नंद महाराज यशोदा को बुलाइए और उनके छोटे बच्चे को भी लेके आने बोलिए, सब ठीक हो जाएगा। तो विश्वभानु महाराज खुश हो गए, बोले कीर्तिदा को जाओ उसको बुलाओ, उसको फोन करो, उसको व्हाट्सएप मैसेज करो। ऐसे करते करते वो सब तो बिजी हो गए, विश्वभानु महाराज बिजी हो गए, कीर्तिदा देवी बिजी हो गए, श्रीरामा बिजी हो गए। और वहाँ उस रूम में श्रीमती राधा रानी थी पालने में और सिर्फ नारद मुनि, नारद मुनि को अभी डायरेक्ट दर्शन मिल गया वन टू वन। तो नारद मुनि कीर्तन करे वीणा से और डांस करे और परिक्रमा कर रहे और भाव विभोर हो रहे, उनके भाव विभोर उनके उनके आध्यात्मिक जो उनके इमोशंस थे भावनाएं उनको हम दर्शन उनको बोल सकते नहीं हम, क्या उनके हृदय में क्या उनका वो कृष्ण प्रेम जागृत हुआ कि राधा रानी का जन्म वो लीला में भाग ले रहे थे। लेकिन जब पता चला कि विश्वभानु महाराज फिर से उस रूम में आने वाले, तो नारद मुनि ने अपने आप को ठीक बना लिया और कहा कि ठीक है मेरा दर्शन हो गया मैं जाता हूँ, आप जैसे बोलो वैसे कीजिए। तो विश्वभानु महाराज ने बड़ा महोत्सव मनाया, सबको बुलाया, और उस महोत्सव में जब सब 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 अतिथि गण से मिल रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण चल के गए घूमते गए भगवान श्री कृष्ण रेंगते गए और पालने को उन्होंने पकड़ के वो खड़े हो गए, और पालने में से उन्होंने अपना सर जो है उस पालने में अपना डाला देखने के अंदर क्या है। तो बराबर उनका चेहरा राधा रानी के चेहरे के सामने आया और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को पुकारा और श्रीमती राधा रानी फिर अपना आंख खोला और सबसे पहला दर्शन उनको लेना था किसका, कृष्ण का। सबसे पहला दर्शन कृष्ण का ले उनका आंख खुला, और क्योंकि उन्होंने क्या सुना भगवान के भगवान का कुछ शब्द सुना इसलिए वो आंख खुला, तो कानों से भगवान के शब्द सुने और बाद में अपने मुख से उन्होंने कृष्ण का नाम लिया। वो छोटी बालिका था तो नाम लेते हुए एक ऐसी आवाज आई, तो आवाज होने से विश्वभानु महाराज कीर्तिदा देवी चकित हो गई और भाग के देखे तो लड़की ने आंख खोल दिया है और हंस रही है, और उनको पता चल गया कि नारद मुनि ने जो कहा वो सिद्ध हो गया है। सिद्ध हो गया है कि
श्रीमती राधा रानी ये फिर से अब एक नॉर्मल एक चाइल्ड, एक अच्छी एक नॉर्मल एक बालिका के रूप में उसका परिवर्तन हो गया। तो ये सब कहानी जो है ये राधा अष्टमी के आसपास कथा है। इसको हर राधा अष्टमी के उत्सव के वक्त हम बताते हैं, दोहराते हैं, सुनते हैं इसके बारे में। लेकिन जितनी बार सुनते हैं हम उसको बहुत अच्छे से रिलीज करते हैं, क्योंकि ये कथा जो है कुछ पुरातन कथा नहीं, पुरानी हो जाती है, रद्दी में चले गई। भगवान श्री कृष्ण की कथा, राधा रानी कथा जो है ये नव नवयामान, एवर फ्रेश। जितने बार हम सुनेंगे उस कथा को उतना ही हमें शुद्धता महसूस होगी और उतना लगेगा कि आज मैं सुना नहीं था पूरा, अभी सुना मैंने, आज लगता है कि पहली बार सुन रहा हूँ या ऐसे नए तरह से सुन रहा हूँ, नए तरह नए तरीके से सुन रहा हूँ। ये सब अनुभव भी होता है, क्योंकि भगवान की लीला, कृष्ण की लीला, श्रीमती राधा रानी की लीला हमेशा ये नवव्यमान है या फिर नया होता है, फ्रेश होता है। तो ये कुछ कथाएं मुझे याद आ रही थी आज आपके साथ में कुछ प्रस्तुत करने की। तो इस समय हमारे पास थोड़ा समय, हमारा समय एक्स्ट्रा हो गया, आज 1 घंटे तक चले गया, ऊपर चले गया। तो अभी मैं अपनी कथा को यहाँ विराम देता हूँ। अगर एक आध दो प्रश्न होंगे और समय होगा तो हम लेंगे आपके अंदर, हम इस प्रवचन को अब समाप्त करेंगे और आगे का जो कार्यक्रम का भाग है वो हमारे शिवानंद दुरालपुर आपको बताएंगे। हरे कृष्ण।